जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं आपकी 5वीं कक्षा से हिंदी की किताब से पाठ 15, पन्ना का त्याग। पन्ना का त्याग में आपको पूर्व में मैंने जानकारी दी थी कि जो खूबीलाल था उसकी दीदी उसे पन्ना के बारे में बता रही थी कि महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया और एक दासी पुत्र बनवीर था और वह भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था और उसने वहाँ के छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की गद्दी पर वो घात लगाए बैठा था और जो पन्ना थी वो उदय सिंह की धायमा थी। तो खूबीलाल थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। जहाँ पे राजा की मृत्यु हो गई हो, वहाँ अव्यवस्था फैल गई हो, वहाँ के कर्मचारी अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हों, यानी गलत लोग की ओर मिल जाते हैं और वो अबोध यानी जिसको कोई बोध ही नहीं है, जो राजकुमार अबोध यानी जिसको कोई बोध ही नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं है, ऐसा राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ होना मतलब जिसे कोई जानकारी नहीं हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। स्तब्ध हो जाना मतलब खो जाना। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की घटना वहाँ पे घटी होगी। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया था, स्तब्ध होकर खड़े होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो खूबीलाल कहता है, दीदी कहती है कि कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण यानी बहुत ही विकट स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति वहाँ की हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। उस महादुष्ट ने क्या किया था, एक चाल चली थी और उस चाल में उसने क्या किया था, नवरात्रि के समय उसने सारे चित्तौड़ के अंदर नाच रंग का आयोजन करवाया। नाच रंग यानी वहाँ पे नाचने गाने का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। अब उसकी योजना क्या थी बनवीर की, उसकी योजना थी कि नाच रंग का आयोजन करूँगा और सब नाचना गाना देखने के लिए वहाँ पे आएंगे, तो जनता को मैं क्या करूँगा, धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निष्कंटक। कंटक मीन्स कांटे वाला मार्ग। निष्कंटक यानी जिस राह पर कोई भी तकलीफ परेशानी या कांटे ना हो, निष्कंटक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी उसके मार्ग में। विक्रम सिंह तो उसके धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना ढाल बनकर छाई हुई थी। राजा का बेटा वो जो विक्रम सिंह था वह तो उसके बनवीर के धोखे में आ गया, पर जो उदय सिंह था उस पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। पन्ना धाय जो थी वो उदय सिंह पर ढाल बनकर, कोई तलवार से वार करता है तो एक होती है ना थाल की तरह बड़ी ढाल होती है वो, जो तलवार के वार को रोकती है, तो वो ढाल की तरह बनकर पन्ना धाय छाई हुई थी, इसलिए बनवीर उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। पन्ना धाय को पता चल गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच मतलब पूरे नगर के अंदर नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है बनवीर। तो ये बात पन्ना धाय को पहले ही पता चल गई थी कि बनवीर हत्याकांड करने वाला है, क्योंकि पन्ना धाय को पता चल गया था कि अब राजा तो रहे नहीं, राजा का बड़ा बेटा भी नहीं रहा, अब ये बेचारा छोटा बेटा है, ये ज़्यादा
अबोध है, इसको ज़्यादा समझ नहीं है, तो हो सकता है कि कोई इसकी हत्या कर दे। तो ये पन्ना को पता चल गया था कि बनवीर उनकी हत्या करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। अब उदय सिंह को लेकर पन्ना दाई बाहर नहीं जा सकती थी, तो खुबीलाल पूछता है क्यों जीजी? तो दीदी कहती है कि बनवीर के आदमी सब और चौकसी पे थे। बनवीर के जो आदमी थे वो सब और चौकसी पर थे, यानी वो पहरेदारी वहाँ पे कर रहे थे। वो सब चौकन्ने थे कि कोई अंदर आना नहीं चाहिए, कोई बाहर जाना नहीं चाहिए, और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। बाहर निकलना भी सही नहीं था, और महल में उसे छिपाने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। भेदिए का मतलब होता है भेद देने वाला। भेदिया किसे कहते हैं? जो हमारे राज की बात किसी और को बता देता है, या हमारा कोई भेद होता है वो किसी को बता देता है, उसे कहते हैं भेदिया। तो बनवीर के भेदिए जो थे वो मौजूद थे, सब और मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। ये जो भयंकर संकट की स्थिति थी, इसमें भी पन्ना धाय ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, मतलब मन में ऐसा संकल्प ले लिया, ऐसी निश्चय कर लिया, ऐसा कसम खा लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया। पन्ना दाय ने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई में ही सो गया था। उदय सिंह को नाच रंग में जाने से मना कर दिया था, इसलिए वह रूठकर यानी उसको गुस्सा आया, और वो गुस्से में रसोई घर में ही सो गया था। रसोई घर यानी किचन में, रसोई में सो गया। कीरत नाम की बारी पन्ना धाय का भक्त था। कीरत नाम का एक बारी था। बारी कौन? जो पत्तल उठाने का काम करता है। वो पन्ना धाय का भक्त था। पन्ना धाय को वो बहुत मानता था, पन्ना धाय को बहुत इज्जत देता था। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी कर ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे, अच्छा, महलों में जो खाना खाते थे राजा महाराजा और दूसरे लोग, तो उनकी जो झूठी पत्तल थी, भोजन करने के बाद वो पत्तलों को इकट्ठी करके बाहर ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। तो पन्ना धाय ने क्या किया था? सिसोदिया वंश जो ये इनका था ना, उदय सिंह का कौन सा था? सिसोदिया वंश। तो उसकी आन बचाने के लिए पन्ना धाय ने कीरत बारी को यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में क्या करे, उदय सिंह को छिपाए और चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करें। तो पन्ना धाय ने इसको क्या काम सौंपा था कि तुम्हें क्या करना है, अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचाना है और पन्ना धाय के आने तक उसकी रक्षा करनी है।